त्योहारों का सीजन आ गया है। अक्टूबर महीने में ही इस बार दुर्गा पूजा, दीपावली सभी पर्व और त्यौहार है। ऐसे में मिठाइयों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई ऐसी जगह है जहां पर मिलावटी सामान का उपयोग किया जाता है। अगर धनबाद की हम बात करें तो धनबाद में पहले इन तमाम तरह की जगहों पर जो भी सैंपल लिए जाते थे वो यहाँ इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ ठीक इसके पीछे एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयोगशाला था जहाँ पर यहाँ पर इन तमाम सैंपलों की जाँच की जाती थी। लेकिन फिलहाल ये कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब जितने भी सैंपल लिए जाते हैं उसे नामको में भेजा जाता है जहाँ से उसके रिपोर्ट्स आने में लगभग 14-15 दिन लग जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले लोगों को भी नुकसान हो रहा है। आइए इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको मिठाइयों की खरीदारी करनी चाहिए। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, फिलहाल वो एडवोकेट हैं। हम सीधा इनसे आज बात करते हैं विस्तार में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धनबाद का जो प्रयोगशाला था वो कब बंद हुआ और इसके पीछे क्या वजह रही? थैंक यू, ये बहुत अच्छा सवाल कि अभी दुर्गा पूजा का मौसम आ रहा है, नवरात आ रहा है या दिवाली आएगी, छठ आएगी, ऐसे समय में मिठाई और ये स्वीट्स का जो डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, हर लोग ये मिठाई खरीदना चाहते हैं चाहे गांव हो या शहर हो। ऐसे समय में ये दूध की तो हमेशा कमी है, क्योंकि प्योर दूध तो गाय भैंस वाले तो कम ही अवेलेबल है। फिर भी जो भी बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं या अमूल प्रोडक्ट है, ये लोग भी दूध का जो कंपोजिशन होता है, जैसे टोटल सॉलिड हुआ, फैट्स हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, विटामिन्स हुआ, ये सब कंपोजिशन मिलाकर दूध तैयार करते हैं और वो उसके पैरामीटर में रहता है। बशर्ते एक शर्त एक रहता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करें, तो वैसे दूध की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी चूँकि इतनी मिठाई की डिमांड हो जाती है तो ये संभावना बनी रहती है कि सिंथेटिक खोआ या मिलावटी खोआ जो स्टैंडर्ड के मानक के अनुरूप नहीं रहता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी रहता है। तो ऐसे समय में ये जागरूकता की बहुत ज़रूरी है और आपके माध्यम से ये हम कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति मिठाई अगर खरीदना चाहता है तो उसकी थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के लिए संभव नहीं है, या इवन ऑफिसर लोग के, जिला प्रशासन के ऑफिसर के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो किट लेकर के जाएँ, जाँच कर दें और मिठाई खरीदें या और भी कोई ग्रोसरीज खरीदें या कुछ भी खरीदें। तो ऐसे सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप एक रेपुटेड शॉप से सामान खरीदिए। रेपुटेड शॉप का कहने मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बड़ी दुकान है, बहुत नामी ग्रामी दुकान है, ऐसा नहीं। ऐसा हमारे ये विश्वास नहीं है और ना मेरा ये एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई ऑर्डिनरी भी दुकान हो, कोई गाँव में भी साधारण दुकान रहती है, शहर में भी रहती है, तो उसमें क्या है कि जो भी सामान बनता है दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। तो उसमें ये चांस नहीं रहता है कि हमको बासी मिठाई मिल रहा है या आपको खट्टा मिठाई हो गया, मतलब तो वो इस तरह की मिठाई हमको फ्रेश मिठाई मिलती है। एक तो ये हुआ कि रेपुटेड शॉप से सामान खरीदना है, दूसरी एकदम वाइट मिठाई बिना कलर का मिठाई खरीदना चाहिए, कोई रंगीन मिठाई खरीदना चाहिए। एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कलर को ऐड किया जा सकता है, लेकिन कलर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई उसमें मतलब शक्तिवर्धक कोई चीज़ उसमें नहीं रहता है, इसीलिए कलर का एक लिमिटेशंस है कि 2 parts per million डालना है। अगर उससे डाला गया तो वही वायलेशन हो रहा है, हेल्थ के लिए वो इशू हो रहा है, इसीलिए कलरलेस जो मिठाई है वो हमको खरीदनी चाहिए जो बिना रंग का हो। कुछ मिलावटी इस तरह का लोगों को डाउट होता है तो फिर उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए? हाँ, ये अभी बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई आदमी कुछ भी नहीं जान रहा है तो सबसे बेस्ट है कि वो जिला प्रशासन में डीसी के पास इसको शिकायत करें। लेकिन एक्चुअल ऑफिसर यहाँ के एसडीओ हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, सिविल एसडीओ जो हैं यहाँ पर, किसी झारखंड में कहीं भी जो सिविल एसडीओ हैं उसके डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, इस एक्ट जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके लिए इम्पावर्ड हैं, उनके पास कंप्लेन करने से उनके अंडर में फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं पूरे जिले वाइज, आजकल जिले में एक रहते हैं, तो वो कंप्लेन करने से वो गोपनीय भी रह सकता है और या मिल कभी कंप्लेन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ जाकर जांच करते हैं, वो लाइसेंस देखा जाता है कि वो प्रॉपर वैलिड लाइसेंस है कि नहीं, उसके खिलाफ अलग नोटिस दिया जाता है और उसके मुकदमा किया जाता है। दूसरी बात यह है उनका सैंपल लिफ्ट किया जाता है, वो आईस्टिमेशन है, वो एक ट्रेनिंग है जिसके आधार पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं वो सैंपल लिफ्ट करते हैं कि ये लगता है सस्पिशियस है, ये ठीक नहीं है, तो उसका सैंपल जाँच करके भेजा जाता है जो कि 14 दिन के अंदर में उसका रिपोर्ट आता है। और रिपोर्ट के आधार पर अगर ये मामला फाइन का बनता है तो हमारे डीसी जो डीएम हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहलाते हैं, उनके यहाँ हम लोग केस फाइल करते हैं और बहुत अच्छे से सुनवाई होती है और उसमें फैसला भी जल्दी आ जाता है, फाइन का मामला रहता है,
जब हम एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर धनबाद जिला में थे तो शंकर मॉल के यहाँ एक नमक का सैंपल लिफ्ट किए थे, नमक पैकेट का, उसमें वो सेफ स्टैंडर्ड पाया गया था और 2,00,000 रुपया फाइन हुआ था। उसमें ऐसा था कि जब उनके यहाँ लिफ्ट किए थे तो वो जहाँ से परचेज किए थे उनको भी हम नोटिस किए थे, फिर वो जहाँ से रांची से परचेज किए थे वो अलग नोटिस दिए थे, तो ये कुल मूल्य मिला करके पूरा जो चेन था उनको 2,00,000 रुपया फाइन किया गया था। तो ये एक अलर्ट है, बात यहाँ फाइन का नहीं है कि आप जागरूक रहिए। पेपर में भी आया था सारे मैसेज को चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि आप जो है अच्छा सामान बिक्री कीजिए और जो सही सामान है वही बेचिए और उसका जो एक्चुअल प्राइस है वही दिए सस्ता। अब पब्लिक को हम ये भी कहना चाहते हैं सस्ता का फैना मत रहे, सस्ता चीज़ अगर कोई है तो मिलावटी है। आज अगर 500 रुपया घी का दाम है और 300 रुपया घी मिल रहा है तो ये मान के चलना है कि वो मिलावटी है। अगर कोई चीज़ 100 रुपया मार्केट प्राइस है और वो कहीं हमको 80 रुपया मिल रहा है, 60 रुपया मिलता है, तो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ये बात सही है कि गांव में लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, इस कारण वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। धनबाद में जो लैब था उसके बंद होने के पीछे क्या वजह मानी जाती है और क्या लगता है कि वापस से शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो धनबाद ज़िला है ये कोल माइनिंग एरिया और माइनिंग सेटलमेंट एक्ट 1920 से यहाँ पर नोटिफाई हुआ था, जो कि धनबाद और आधा बोकारो इसको कवर करता है। चूँकि कोलेरीज होने के नाते सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज यहाँ, रेलवे हैं, DGMS है, इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड ऑफिस है, उसके चलते पूरे कंट्री के लोग यहाँ आकर अपना एम्प्लॉयमेंट देते थे, अपना सर्विस देते थे इस कंट्री के लिए और कोलेरीज में काम करते थे। तो यहाँ का डेंसिटी बहुत ही आज भी हाई है धनबाद का, तो इसलिए यहाँ पर सिविल सर्जन ऑफिस रहते हुए भी यहाँ जो माडा जो था मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पहले था झरिया माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ, उसमें 1954 में जब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना था उस समय पटना में और एक धनबाद में फूड लैब का गठन किया गया था और उस समय से ये जांच चल रही है। लेकिन चूंकि धनबाद में झरिया माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के चलते यहाँ पर 17 अंचल था और उसके जो प्रभारी रहते थे ऑफिसर इंचार्ज उनको फूड इंस्पेक्टर का पावर डेलीगेटेड रहता था, इस नाते यहाँ पर सैंपल लिफ्टिंग ज़्यादा होता था। अगर पूरे बिहार में 100 सैंपल लिफ्ट होता था तो धनबाद में 350 सैंपल लिफ्ट होता था। यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था, यहाँ का लैब भी हाई था और यहाँ के जो फूड एनालिस्ट बोला जाता था, पब्लिक एनालिस्ट बोला जाता था पहले, वो यहाँ पर डॉक्टर हरिनारायण एक MBBS डॉक्टर थे, उसके चलते यहाँ पर बहुत ही फेयर काम होता था और हाइजीनिक भी रहता था और रिपोर्ट बहुत ही प्रॉपर रहता था और रिपोर्ट चूँकि इजी अवेलेबल होता था तो तुरंत हम लोग सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल कर देते थे। तो जो भी मिलावट आता था रिपोर्ट के आधार पर, हम लोग का किसी से किसी व्यापारी के साथ कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, जो भी नियम कानून अगर रिपोर्ट आया हम लोग मुकदमा किए, उनको नोटिस दिया जाता कि भाई आपके खिलाफ मुकदमा किया गया है, आप चाहें तो अपने सैंपल को दोबारा जाँच करा सकते हैं, है ना, इस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते थे। 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पूरे कंट्री में लागू, एक्ट तो 2006 में बना लेकिन रूल्स इसका 2011 में बना, 2012 में जनवरी 2012 में पूरे झारखंड में ये लागू हुआ और फूड इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन बदल के फूड सेफ्टी ऑफिसर कर दिया गया। हम लोग जब काम करते थे तो थाना में लिख के देना पड़ता था कि हमको फोर्स चाहिए, वैसे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, आज तक जब भी हम लिखते थे पूरे धनबाद जिला में ऐसा हमको मौका मिला, ये ट्रेनिंग मिला हमारे डिपार्टमेंट का कि पूरे चौरास्ता में लॉरी रोक करके 407 गाड़ी रोक करके हम सैंपल देखते थे और उनका सैंपल जांच के लिए लिफ्ट किए और मुकदमा किए। ऐसा रेयर हुआ कि बिना पुलिस फोर्स करके हम जो भी गाड़ी को लगता था कि सस्पिशियस इसमें खाने का सामान है वहीं उसको रोक करके हम सैंपल लेट करके भेजे, हमको किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी और हमको पब्लिक भी कॉपरेट किया और हमको चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कॉपरेट किया। और ये इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लैब अगर धनबाद में रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इस आसपास के एरिया में ये जो क्या नाम है कमिश्नरी है यहाँ का सैंपल यहाँ जांच होता हो जाता और NABL एक्रेडिटेशन हो जाता, वो तो सरकार को करना रहता है और जो भी अगर रिटायर्ड इसमें एनालिस्ट लोग हैं उनका सेवा ले जा सकती थी, जो भी एक्सपर्ट हैं पूरे कंट्री में उनको बुलाया जाता और यहाँ लैब रहना बेटर रहता। हम ये सजेस्ट करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि रांची के अलावा यहाँ पर भी एक लैब होना चाहिए
और हमको लगता है कमिश्नरी वाइज भी एक लैब होना चाहिए। ऐसा एक हमारे पास गाइडलाइन आया था सरकार का कि हर कमिश्नरी वाइज में एक फूड लैब होना चाहिए कि जहां कानून का इंप्लीमेंट ज़्यादा बेटर से हो, ज़्यादा साफ़ सुथरा काम हो। कहा कि कोई भी जो कंज्यूमर है फ्री में कोई सामान नहीं लेता है, पैसा दे के सामान लेता है, इसीलिए उसको सही सामान उसको मिलना चाहिए। तो ये हमारा आपके तरफ से यही कहना रहेगा कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए और कानून की जानकारी रखने से मिलावट से आदमी बचा जा सकता है। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने जब इस पूरे मामले पर आज बातचीत की है रिटायर्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर से, तो उन्हें हमने बताया कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी ग्राहक है वो मिठाई खरीदें, अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो एक वेल ट्रस्टेड और जो एक अच्छे ब्रांड है उन चीज़ों को ध्यान में रख के खरीदें। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर आपको किसी भी रेट से काफ़ी कम रेट में अगर मिठाई मिल रही है, घी मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर आप एक बार जाँच कर लें क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मिलावट का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई भी मामले सामने आते हैं तो आप जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करा सकते हैं, जिसके बाद क्विक एक्शन लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब यहां पर जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं, यहीं पर ये राष्ट्रीय स्तर का एक लैब हुआ करता था जो धनबाद में था, पटना और धनबाद मात्र यही दो जगह थे और जहां पर कई अच्छे अच्छे लोग थे जाँच को लेकर, MBBS भी तमाम इस तरह के लोग थे जो यहां पर जाँच किया करते थे। लेकिन फिलहाल आज ये इस तरह से वीरान पड़ा हुआ, दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ। देखते कि कब तक इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का ध्यान जाता है, सरकार का ध्यान जाता है और एक बार वापस से धनबाद को इसका अपना एक लैब मिल पाता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।